ये जैसे कि आपको अवगत कराया गया था कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा, जो फ्लिपकार्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि ये डिलीवरी बॉय मिसिंग है। इस डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की जाँच थाना स्तरीय पर की जा रही थी, साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और हमारे अन्य टीमें भी इस पर काम कर रही थी। जब हम लोग इस पर काम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें कई चीज़ें संदिग्ध लगीं। डिलीवरी बॉय का मूवमेंट, उसकी लास्ट लोकेशन, कितने ऑर्डर्स उसने डिलीवर करे, कितने ऑर्डर्स उसके डिलीवर नहीं हो पाए, इसको संदिग्धतापूर्वक देखते हुए हमने उसकी डिटेल्स कंपनी से निकलवाई, जिसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि उस दिन कितने ऑर्डर्स उसने प्राप्त किए थे, उसमें से कितने ऑर्डर उसने डिलीवर कर पाया था, कितने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाया था, कहाँ तक लास्ट में गया था। इसमें संदिग्धता जब हमारी बढ़ी तो हमने लोगों को उठाना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ के क्रम में हमारे द्वारा इनको आकाश शर्मा को उठाया गया। इनसे जब गहनतापूर्वक और सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके और इनके साथी गजानन द्वारा अपने एक मित्र हिमांशु के मोबाइल से एक मोबाइल फ़ोन की ऑर्डर किया गया था। इनके द्वारा दो मोबाइल फ़ोन मंगाए गए, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन वीवो V40 Pro और एक गूगल पिक्सल 7 Pro था। इनकी कीमत दोनों की मिला के अराउंड 90,000 के करीब बन रही थी। इन मोबाइल फ़ोन्स को इनके द्वारा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाया गया। जब डिलीवरी बॉय इनके यहाँ मोबाइल फ़ोन लेके पहुँचा तो इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने सोचा कि डिलीवरी बॉय को पैसा दिए बिना उसके ये दोनों मोबाइल फ़ोन्स और अन्य सामान को हम जब्त कर लें। इसमें बड़ी चालाकीपूर्वक उन्होंने इन दोनों ने डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर बुलाया और वहीं पे पड़े हुए एक लैपटॉप चार्जर की सहायता से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को उसी के फ्लिपकार्ट के बैग में भर के आगे जाके नहर में जाके इंदिरा नहर में फेंक दिया। पुलिस द्वारा आज आकाश शर्मा को हिरासत में लिया गया है। इन्होंने अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल किया है। साक्ष्य इस तरह के मैच कर रहे हैं। हमें दोनों मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने डिलीवरी बॉय से मंगवाए थे वो भी बरामद किए गए हैं। उसके अलावा डिलीवरी बॉय का अन्य सामान जो वो और डिलीवर करने जा रहा था वो भी हमने बरामद किया है। पुलिस द्वारा लाश को ढूंढने के अभी लगातार प्रयास चल रहे हैं। हमारे द्वारा NDRF की टीम, SDRF की टीम और लोकल गोताखोरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। आसपास के जनपदों में भी हमारे द्वारा एक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि बॉडी की बरामदगी हो सके। हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द बॉडी बरामद हो सके। गजानन को अभी वांछित रखा गया है, इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी।